गांव को नशा मुक्त और परिवार को बर्बादी से बचाने के लिए कसराव जनपद के ग्राम बड़गांव की महिलाओं ने कमर कस ली है। गांव में बढ़ रही नशाखोरी और चोरी छिपे बिक रही अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोलते हुए आज कलेक्ट्रेट में कार्यवाही की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि शिकायत पर पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह नाकाफी है। गांव में कच्ची शराब बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। यह शराब न केवल परिवार के पुरुषों के लिए जहर साबित हो रही है, वहीं घर में विवादों का कारण भी बन रही है। दिन भर महिलाएं मजदूरी करती हैं, शाम को पति की पिटाई सहती है, इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। विरोध करने पर शराब विक्रेता उल्टा हमें धमकाता है कि जहां शिकायत करनी है करो। महिलाओं ने मांग की है कि अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए, जिससे इस पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये क्या है? ग्राम पंचायत बड़गांव से, नर्मदा किनारे हमारा गांव है, छोटा सा। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है कि हमारे गांव में बहुत कच्ची दारू जहरीली खूब बिकती है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार और बच्चे उन पे असर रहे हो रहे। हमारे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते, महिलाओं रोज मजदूरी जाते, शाम को पति देव दारू पी के आते, गाली गलौज करते, झगड़ा करते। महिलाओं इसके घर कलीज एक ने शराब पी के उनके घर टीवी फोड़ दी, तोड़ फोड़ कर दी। रोज ऐसे वितरण रोज हो रहा। बहुत परेशान हम महिलाओं ने, इसलिए सरकार से, कलेक्टर महोदय से और SDM महोदय से, हर व्यक्ति से मेरी निवेदन है कि हमारे बड़गांव के अंदर 5 किलोमीटर पे दूरी शराब बिकना बंद होना बहुत जरूरी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे पे असर हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बेचारे बेरोजगार है। अभी हमारा भतीजा एक मर गया, उसके 4 बच्चे शराब में मरा है, उसका कौन पालन पोषण करे? अपना अपना घर सब चलाता है, किसी को कोई देता नहीं। इसीलिए हमारे बड़गांव के अंदर 5 किलोमीटर की दूरी पे ओटा है, बड़गांव है, खेतों में जाते हैं, अब खेत में बनाते हैं। कसरावद भी हमने निवेदन किया था, उनको किया था, पर जाते सामने वाले, पर वो क्या है कि वो उनकी दारू पकड़ भी लेते हैं, उनको ये भी कर ढोल के भी आ जाते हैं, पर उनको अरेस्ट नहीं करता, कोई सजा नहीं मिल रही। वो लोग हमको गाली गलौज करते हैं कि घाघरी पहनी हुई औरत क्या कर सकती है, पर हम यही मर जाएंगे। पर शराब हमारे बड़गांव की बंद होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम श्रीमती संतोषी भाई से आए सर। हमारा आदमी रोज शराब पीने जाते हैं और हम शराब वाले के भी बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम जाओ जो करना है वो कर लेना, हम तो शराब रोज बनाएंगे, तुम्हारे आदमी को रोको तो साहब। हम दिन भर दाड़ की जाते हैं और शाम के गाड़ी आके रोटी पानी छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, क्या आदमी के पीछे फिरेंगे? हम तो मजदूरी करने जाते हैं ना, और बोलते हैं तो बोले जा जो करना है वो कर लेना, हम तो शराब बनाएंगे और बेचेंगे। 20 साल से बना रहे हैं, करी थी हमने, कसरावत कोई मतलब यही नहीं करा हमारा, तो कोई एक्शन नहीं उठाया। विभाग वाले आते हैं करते हैं पर शराब पकड़ते भी है, ढोल ढाल के आ जाते हैं, उनको अरेस्ट करेंगे तो वो दिखवाएंगे शराब बंद करेंगे। क्या चाहते हैं? ये शराब बंद करवाओ बड़गांव अंदर। क्या नाम है तुम्हारा? कमला भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।